रत्नगर से मामा का काम किया था, बाले मामा का। तो बाले मामा का काम किया तो अब ये राजकारणी हुआ होगा ना उधर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा डाउट है कि मैं, क्योंकि सामने वाला कोई बच्चे आए हम उसको इतना देखा ना, क्योंकि वो अंधेरे में मार के गया। 15 से 20 बच्चे होंगे उन लोग, उनके हाथ में वस्त्र बिस्तरा था और मारदंडे थे। ये घटना कहाँ पे हुई? ये मानसर रोड जाने के रास्ते में जहांगीर लेक्यू करके स्मार्ट पॉइंट है वहाँ पे, उसका आगे है सुरेश पाटिल का जगह है, वहाँ पे एकदम अंधेरा रोड। हॉर्न बजाते बजाते ना रात मार रहा था भाई, बाइक का भाई लोग का बाइक जैसा गिरा ना, मेरा मैं भी बाइक उधर खड़ा किया, मैं भी गया बीच में, क्या हुआ भाई का सीधा मास्क डायरेक्ट गाली देने लगा, डायरेक्ट डंडा ले धना धना मारने लगा। मेरा नाम श्रीनिवास लिंगय्या नडिगोट्टू और मुझे स्वामी नगर का बुलाते हैं। मैं पद्मनाथ में समाज सेवक हूँ। 2017 में इलेक्शन लड़ा हूँ इंडिपेंडेंट 17 नंबर वार्ड में से पद्मनगर। और ये अभी मैं पद्मनगर से मानस रोड में मैं रहने के लिए घर पे निकला हूँ, जहाँ पे मैं लिक्वी में रहता हूँ, मानस रोड लिक्वी में, वहाँ पे रहने के लिए। फिर कैसा मैं यहाँ से पद्मनगर से हमारा सैलून है, पद्मनगर में सैलून है, हमारा ऑफिस है, ऑफिस और सैलून बंद करके वहाँ से निकला। फिर श्रमिक नगर का आगे जहांगीर लेक्यू का बिल्डिंग का आगे उधर सुरेश पाटिल का जगह है, वो जगह पे पूरा अंधेरा है। वहाँ पे दो बाइक लोग आके दो बाइक आके वो बाइक का ऊपर से वो लात मारा अपना बाइक को, भाई और मैं दोनों साथ में था। ये भाई मेरा आगे दूसरा गाड़ी लेके जा रहा था, तो लात मारने के बाद में हम लोग नीचे गिरे, तो उन लोग डंडे बिंडे वस्त्र बिस्तरा था धनाधन मारने चालू हो गया। और वो उसका हाथ में फिर वस्त्र था क्या, फिर क्या समझ में नहीं आया, डायरेक्ट इधर वार किया उन लोग। यहाँ पे वार किया और यहाँ पे मार लगा, यहाँ पे एकदम डंडा से मारा, यहाँ पे डंडा से मारा, यहाँ पे डंडा से मारा। देखो इधर सर पे डंडा मार रहा था तो हाथ लगाया तो फिर हाथ को लग गया। और ये भाई भी बीच में आया था, इनको भी बहुत मारा, बीच में मारा। और ये भाई को भी मुक्का मार लगा अंदर, पीछे मार लगा। तो ये बताइए कि इससे पहले आपको कैसे कोई धमकी वगैरह आया था? धमकी बोलो तो इलेक्शन से पहले 2 दिन पहले ना, एक हमारे एक दोस्त है, एक मित्र है नैनू चिंतेवर करके, उनका मोबाइल से फोन आया था मेरे को, बोला कि भाई आपको प्रवीण पाटिल मिलना चाहते हैं। मैं बोला प्रवीण पाटिल क्यों? बोलते है कि नहीं आपको पर्सनल बात करना चाहते हैं। मैं बोला बुलाओ इधर ऑफिस में। बोलता है कि ऑफिस में नहीं आएंगे, वो बाहर बियॉन्ड से बाहर बैठना चाहते हैं आपसे बात करने के लिए। मैं बोला क्यों? मालूम नहीं। बोला तो मैं बोला ठीक है, मैं बोलता हूँ आपको। अरे बोल शेठ बोल, क्या उसको जवाब देना पड़ेगा ना प्रवीण पाटिल को। मैं बोला ठीक है उनको बोलो, बाद में अपन मिलते हैं, ऐसा बोल के फिर ये किया। आधे एक घंटे के बाद में फिर उनका फोन आया, किसका? प्रवीण पाटिल का। दो बार फोन आया, मैं उनका फोन रिसीव नहीं किया। उनका मिस कॉल भी मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है। और ज्ञानेश्वर चिंतेवर का मोबाइल से मेरे को फोन आके बोला ना, वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास हुआ है। तो उन्होंने कोई धमकी भरा फोन किया था? अभी धमकी बोलो तो अभी मेरे को तो ऐसा लगा था कि वो धमकी देगा करके, मैं इसके लिए उसका फोन नहीं उठाया। तो अभी आपको किस पे शक है? अभी शक तो अभी बोल नहीं सकता, अभी देखो अभी ये ऐसा ऐसा मैटर हुआ है। हाँ तो अभी कैसा, अभी मैं वहाँ पे पद्मनगर से मामा का काम किया था, बाले मामा का। अभी बाले मामा का काम किया तो अभी ये राजकारणी हुआ होगा ना उधर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा डाउट है कि मैं, क्योंकि सामने वाला कोई बच्चे आए हम उसको इतना देखा ना, क्योंकि वो अंधेरे में मार के गया। हाँ और मुंह को रुमाल बांधा है, कोई हेलमेट पहना है। 15 से 20 बच्चे होंगे उन लोग, उनके हाथ में वस्त्र बिस्तरा था और मारदंडे थे। ये घटना कहाँ पे हुई? ये मानसर रोड जाने के रास्ते में जहांगीर लेक्यू करके स्मार्ट पॉइंट है वहां पे, उसका आगे है
सुरेश पाटिल का जगह है, वहां पे एकदम अंधेरा रहता है पूरा, वहां पे हुआ है। ये बताइए जब ये घटना घटी थी तो आप कहां पे थे? मैं आगे गाड़ी चला रहा था, भाई लोग पीछे गाड़ी पे आ रहा था। जैसे आगे गया पीछे से लोग हॉर्न बजाते बजाते ना लात मार रहा था बाइक का, भाई लोग का बाइक जैसा गिरा ना, फिर मैं भी बाइक उधर खड़ा किया, मैं भी गया बीच में, क्या हुआ भाई करके सीधा मास्क डायरेक्ट गाली देने लगा, डायरेक्ट डंडा ले धना धना मारने लगा हम लोग। फिर मैं जाके भाई चेहरे आपने देखे हैं? नहीं नहीं, पूरा अंधेरा था, आमने सामने भी नहीं दिख रहा था, इतना अंधेरा था, पूरा मास्क भी पहना था हम लोग, हेलमेट भी पहना था हम लोग, एकदम रुक रहा भी नहीं था, एकदम धड़ाधड़ मार रहा था। कितने बजे की घटना? कितने बजे? पौने 11 बज रहा था। रात पौने 11 बज रहा था।